नहीं, एमसीडी में काम तो काफ़ी हुआ है मेरे हिसाब से। अभी तो कोई काम नहीं हुआ, जब इलेक्शन आता है तभी काम करते हैं। साफ़ सफाई तो हो ही रही है, बाकी जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की वो नहीं है। यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी रेगुलर आती है, लेकिन जो नालियों में कूड़ा भरा रहता है उसकी सफाई रेगुलर नहीं होती। कुछ थोड़े बहुत किए हैं, साफ सफाई से रिलेटेड तो हुए हैं, बाकी जो बेसिक समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं मयूर विहार फेज वन में, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर आता है। तो यहां पर हम आए हैं लोगों की राय जानने, आम जनता से बात करने की, क्या उन्हें लगता है कि एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या पिछले साल में जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी की गई है, या जो अभी नया निगम पार्षद आएगा उनसे इनकी क्या उम्मीदें हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, हम सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एमसीडी ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया है, या आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, काम हुआ है नहीं हुआ? नहीं, एमसीडी में काम तो काफ़ी हुआ है और अच्छा उनका वो रहा है। मोहल्ले में सफाई का काम हो, चाहे नालियां साफ करने का काम हो, उसमें सबने अच्छा काम हुआ है। हमारे इधर पार्षद जो विपिन बिहारी जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है यहाँ पे और बढ़िया रहा है उनका। मतलब क्या आपको लगता है कि फिर भी कोई ऐसी समस्याएं रह गई हैं सर इस एरिया की, जो कि नहीं पूरी हो पाई हैं? नहीं, लगभग हो, काफ़ी हो गया है और कुछ काम हो रहे हैं अभी। विकास तो हो रहा है एरिया में और सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। क्या क्या बदलाव सर आपको लगता है कि पिछले 5 साल में? जैसे एमसीडी की जो गाड़ी है कूड़ा उठाने वाली अब आने लग गई, सफाई वाले रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पे, और बाकी भी आसपास जो इलाके के अंदर सड़कें हैं वगैरह ठीक से काम हो रहा है। एक और सर, जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, जो नया निगम पार्षद अगर आए, जो भी आएगा, जो भी जैसे होगा, तो क्या आप चाहते हैं कि क्या और विकास का कार्य करें इस क्षेत्र में? नया निगम पार्षद आता तो मेरे को लगता है कि जितना जैसे जो नालियां वगैरह बनती हैं, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी बनाई जाए। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फंड का मिसयूज़ होता है, मुझे ऐसा लगता है। और इलाके के अंदर जैसे ये तारे वगैरह, जैसे ऊपर ओवरहेड लाइंस पड़ी रहती हैं, उनके अंदर भी थोड़ा कुछ चेंज होनी, सफाई होनी चाहिए। मतलब ऐसी जो अभी आपने बोला कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो क्या अभी नहीं हो रही है ये सब चीज़ें? नहीं, अभी नहीं हुई है ये चीज़ पे शायद अभी ध्यान नहीं हुआ। मतलब जो तारे जो ऊपर ओवरहेड लगी रहती हैं, इनका जंजाल जगह जगह बना हुआ है, जैसे यहाँ पर भी देखोगे ये सारा बना हुआ है, तो वो चीज़ें मतलब अभी भी हैं वहाँ। लेकिन सर, जैसे हम इस एरिया में हम घुसे और अभी देखा, तो ये ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हमें दिखाई दिए, तो ये क्यों है सर? ये अभी फिलहाल काम चल रहा है यहाँ पे ना, PNG लाइन का काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन डल रही है, और कुछ जल बोर्ड वाले काम कर रहे हैं जो पानी सीवर की लाइन डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी। तो कितना समय हो गया है ऐसे सर इनको? ये अभी 2 महीने से चल रहा है काम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि 5 साल में एमसीडी ने काम किया है? मेरे हिसाब से अभी तो कोई काम नहीं हुआ, जब इलेक्शन आता है तभी काम करते हैं। तो वही हमने देखा है सर सारे, मतलब ऑलमोस्ट एरियाज में, कि 5 साल में काम नहीं किया गया है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ही दिखाने के लिए करते हैं। और अभी जैसे बीजेपी की एमसीडी में बीजेपी है, काम हो रहा है बीजेपी के थ्रू, ठीक है, और फोटो खिंचवा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ये काम हमारे उससे हो रहा है, हम करवा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई भी पार्टी का बंदा अगर सोशल सर्विस करना चाहता है तो उसे पोस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि काम कम किया जा रहा है और प्रचार ज्यादा, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब क्या क्या समस्याएं फिर आपको लगता है कि जो समस्याएं हैं जिनका हल होना चाहिए? समस्याओं का हल दोनों तरफ से होना चाहिए, पब्लिक की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। पब्लिक क्या करेगी, अपनी घर का कूड़ा वो नाली में गिरती है, जिससे नाली ब्लॉक हो जाती है, फिर पार्टीज़ के ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि नालियां साफ़ नहीं होती। अगर हम अपने कूड़े को सही जगह से सही जगह पे गिरेंगे तो हमें जो है पार्टीज़ भी सपोर्ट करेगी और हमारे को नालियां भी हमारी ब्लॉक नहीं होंगी, जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी। मतलब जनता अगर मिलके काम करती है, करेगी, तो काम हो पाएगा ज़्यादा। लेकिन फिर भी क्या ऐसी समस्या है, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि गलियां अच्छे से बनी हुई हैं, या जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं? स्ट्रीट लाइट्स अच्छे काम कर रही हैं, गलियां सही बनी हुई हैं। जब गलियां बनती हैं, जैसे शीवर का काम हो रहा है या नई पाइपें डलनी हैं, गैस का काम हो रहा है, ये काम होता है नई सड़कें और नई गली बनने के बाद। अगर ये काम पहले हो तो ज़्यादा बेटर है। मेन समस्या तो क्योंकि सर तभी आ जाती है क्योंकि गलियां पहले बन गई हैं, बाद में वो फिर फटती हैं और फिर सीवर डलता है, तो जी ये समस्या काफी है। उसी की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सर
और सबसे मेन क्या है कि गलियां हैं छोटी, जो कॉलोनी वाले हैं वो अपना व्हीकल कॉलोनी गलियों के अंदर ले आते हैं, उसकी वजह से भी समस्या ज़्यादा है। तो सर वो तो आपको नहीं लगता कि पार्किंग की कुछ सेवा होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन पार्किंग ऐसी जगहों पे होती नहीं। सबसे मेन क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ कुछ नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, कोई भी बंदा किसी भी एरिया का कहीं से भी आ सकता है। तो सर जैसे अभी निगम के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अगर जो नया निगम पार्षद आएगा उससे उम्मीदें क्या आपकी, क्या मांगे? उससे हमारी यही मांगे हैं कि सबसे मेन क्या है, सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारी। हमारी सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए है? अगर कोई पुलिस वाला या किसी को पकड़ लेता है, जेब कतरे को, चेन स्नैचर को, ठीक है, वो दो दिन के बाद फिर छूट जाता है, तो उसका कोई पक्का इलाज होना चाहिए। और बाकी आपको लगता है कि सड़कें तो बनी हुई हैं और कूड़ा भी उठ ही जाता है, मतलब एमसीडी की गाड़ी आती है जो कि रेगुलरली एमसीडी की गाड़ी तो डेली घूमती है, हर दो घंटे के बाद घूमती है। इन्होंने एमसीडी वालों ने तो बहुत सुविधा कर रखी है, कूड़े की कोई टेंशन नहीं है, कूड़ा बहुत अच्छी तरह उठ रहा है, ठीक है। बस सड़कों का ये होता है कि सड़कें हमारी जो हैं वो बनने के पहले सारे काम हमारे होने चाहिए, शीवर लाइन भी डलनी चाहिए, गैस पाइपलाइन भी डलनी चाहिए, उसके बाद सड़क बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर आपको, मतलब आपको लगता है कि एमसीडी ने यहाँ पर काम किया है इस क्षेत्र में? हाँ ठीक है, एमसीडी का काम ठीक है, मतलब जो गलियाँ हैं यहाँ की, जो साफ सफाई है, जो स्ट्रीट लाइट्स है या पास वगैरह? हाँ ठीक है, नॉर्मल है, कोई बिलो एवरेज ही कह सकता है, एवरेज से कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है काम में। मतलब जो एक्सपेक्ट करती है पब्लिक, जितना मांगे करते, क्या उतना पूरा किया जा रहा है एमसीडी द्वारा? साफ़ सफाई तो हो ही रही है, बाकी जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की वो नहीं है। यहाँ पे पार्क्स नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, पार्किंग स्पेस नहीं है यहाँ पे लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो सर क्या प्रशासन को इस बात की नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, नॉलेज तो उनको सब है कि इन कॉलोनीज में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, गार्डन्स नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आवाज़ ऊपर तक जाती नहीं कोई। यहाँ पर जो हमारा लीडर है इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट तक लेके जाए, मतलब अगर कंप्लेंट्स की जाए तो क्या सुनवाई होती है लोगों? कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं, बाकी मेजर जो प्रॉब्लम्स है उन पे नहीं होती सुनवाई। तो अगर जैसे अभी सर नगर निगम के इलेक्शंस आने वाले हैं थोड़े ही टाइम में, नया क्योंकि रोटेशन आ गए तो वो उम्मीदवार तो खड़े हो नहीं सकते हैं, नए वाले आएंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद यही है कि सुनवाई हो, पब्लिक की जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे वो उनकी सुनवाई हो। मेन समस्या इस वक्त यहाँ पे यही है एमसीडी से रिलेटेड कि एक तो साफ सफाई का ध्यान हो, बच्चों के लिए गार्डन्स बने और पार्किंग की प्रॉब्लम मेन। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो सही हैं, सफाई हो जाती है, जो एमसीडी की जो गाड़ियाँ आती है क्या रेगुलर आती हैं? वो सफाई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी रेगुलर आती है, लेकिन जो नालियों में कूड़ा भरा रहता है उसकी सफाई रेगुलर नहीं होती। जैसे 5 साल पहले जो भी यहाँ पर आए होंगे आपसे बातचीत करने वोट के लिए, जो उन्होंने बोला था क्या वो वादे पूरे किए गए हैं? कुछ थोड़े बहुत किए हैं, साफ सफाई से रिलेटेड तो हुए हैं, बाकी जो बेसिक समस्या हैं वो वैसे ही वैसे ही। अगर आप कंप्लेंट आप करते हैं तो क्या उनकी कनेक्टिविटी है जनता से, क्या जनता से बातचीत होती है उनकी? हाँ आते रहते हैं, यहाँ पे हमारे विपिन बिहारी है, शायद बीजेपी के वही हैं, काउंसलर हैं, एमसीडी के मेयर भी हैं, आते रहते हैं, रेगुलर विजिट रहता है उनका, इधर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे यही बात कि आपको लगता है कि एमसीडी काम कर रही है या जितना काम करना चाहता उससे ज़्यादा वो काम कर सकती है? मुझे इधर के बारे में जानकारी नहीं है, वैसा जब मेरे क्षेत्र में है वहाँ बिल्कुल नहीं हो, 0/0। किस क्षेत्र से है आप? बदरपुर क्षेत्र आता हूँ, जैतपुर बदरपुर के क्षेत्र आता हूँ, जैतपुर गड्ढा कॉलोनी पार्ट 2 से। वहाँ पे एमसीडी का कोई रोल नहीं, कोई आती नहीं काम करने के लिए, सफाई के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं आती है। तो यहाँ पर आप अभी क्या, यहाँ पे आपकी शॉप है या कुछ है? नहीं, मैं ऐसे मिलने के लिए आता हूँ यहाँ पर कभी कभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप इसी एरिया से हैं? नमस्कार। नमस्कार। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि एमसीडी द्वारा काम किया गया है 5 सालों में या जितना एक्सपेक्ट किया था जनता ने उतना काम नहीं हुआ है? 5 सालों में काम तो बहुत कम हुआ है, बहुत परेशान रही है जनता, कूड़ा कूड़ा ही हो गया है 5 सालों में तो, मतलब सफाई नहीं हो रही है। क्या क्या समस्याएं हैं जो बेसिक? समस्याएं तो बहुत सारी है, सफाई भी नहीं हो रही है, मतलब हर जगह कूड़ा पड़ा रहता है, उससे बीमारियां फैलती हैं लोगों को, गंदगी इतनी होती है तो बीमारियां भी होंगी, फिर बीमारियों के डॉक्टर के पास जाएंगे लोग, खर्चा होगा,
और काफ़ी मतलब जो मतलब सैलरी भी नहीं दी गई है जो काम करते हैं एमसीडी में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो एमसीडी के स्कूल्स वगैरह हैं हाँ। उनकी क्या हालत? उनकी भी हालत सही नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी है, उनकी अच्छी हालत नहीं है। जो ईडीएमसी के स्कूल आते हैं एमसीडी में, तो उनकी भी अच्छी होनी चाहिए शिक्षा, भी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और उनकी जो बिल्डिंग वगैरह है उनको भी अच्छा बिल्डिंग बनना चाहिए। पिछले 5 साल में जितना जनता एक्सपेक्ट कर सकती थी उतना काम नहीं किया है? नहीं किया, नहीं किया। अगर अभी कोई नया जो पार्षद आएगा, निगम पार्षद, उससे आपके क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि अच्छे से पूरी की जाए, जनता की सुनवाई? उनसे यही उम्मीद रखेंगे, अगर जो भी निगम पार्षद आता है तो उनसे वही उम्मीद रखा जाएगा कि वो बिल्कुल एक क्लियर, गंदी राजनीति ना चले, क्लियर राजनीति, मतलब काम करे, काम करना चाहिए बेसिकली, बच्चों के लिए काम करे, उनके स्कूल में, स्कूल को शिक्षा, जो स्कूल बनेंगे उनके, जो ईडीएमसी के स्कूल हैं उनके लिए काम करे, ये ना करे कि भाई ये बच्चे मतलब ईडीएमसी का है, गवर्नमेंट का है, तो ये मतलब पार्शलिटी ना करे, हर चीज़ ईडीएमसी के बच्चों, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ईडीएमसी के, उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है, अच्छी बिल्डिंग का अधिकार है, और जो शौचालय बनने चाहिए हर जगह, शौचालयों की मैंने देखा है कि बहुत कम व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं जमुना खातर भी गई थी तो वहाँ पे भी शौचालय नहीं बने, एक दीदी का कहना था कि यहाँ पे तो सब बोल के चले जाते हैं, कोई करता नहीं है। वही है कि 5 साल पहले जब इलेक्शंस आते हैं तो आकर वादे किए जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं, लेकिन 5 साल के जो उनका ड्यूरेशन होता है काम करने का, जब काम नहीं किया। हाँ जी, जब काम नहीं, पहले तो कह देंगे कि हम काम करेंगे सब, उसके बाद काम करना भूल जाते हैं हम लोग। जैसे अभी अगर इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये होता है कि सारी पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई बदलाव दिखाएं 2-3 महीने के अंदर? इस क्षेत्र में बदलाव मतलब किस टाइप का बदलाव? मतलब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे तो इसलिए काम किया गया, ऐसा कोई काम? हाँ, काम के लिए तो होता है कि जब कूड़ा भी उठवाया जा रहा है, पता लग जाता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए काम हो रहा है। बात किया जनता से इस गली में, सबने बोला कि कूड़े की समस्या इतनी नहीं है, एमसीडी की जो गाड़ी है वो आ रही है, नियमित रूप से आती है, काम किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक समस्या है जैसे पार्किंग नहीं है इस एरिया में, लोगों ने बोला कि यहाँ पे पार्क नहीं है बच्चों के लिए, और जो एमसीडी के स्कूल्स हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, ईडीएमसी का जो एरिया है पूरा ही, पूरे में स्कूल्स बनने चाहिए, लोगों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, बच्चों का शिक्षा का अधिकार है। तो ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहे नेशन लाइव, मैं कैमरामैन मनीष के साथ रवीना।